बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ इमरान यूसुफ़, आई एम हेयर टू टीच यू क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स। ये न्यू कोर्स है, मैथमेटिक्स की नई बुक है, केपीके टेक्स्ट बोर्ड पेशावर। इसमें सबसे पहले हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1, होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। तो आइए देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में क्या है। ये देखिए, ये रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 का, पेज नंबर 27 के ऊपर। रिव्यू एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस गिवन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लोगों ने सर्कल करना है, उसको आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, जो भी करेक्ट ऑप्शन हो। वी पुट कामाज आफ्टर एवरी डेज डिजिट्स इन नंबर्स। इस सबक में आप लोगों ने पढ़ा है कि हर एक नंबर में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो इंटरनेशनल सिस्टम है, उसमें हम नंबर लिखते हैं और हर एक नंबर में हम कामा मखसूस डिजिट के बाद लगाते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि हर 3 डिजिट्स के बाद फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट हम कामा लगाते हैं। अब इसमें देखिए, ऑप्शन में 2 है, 3 है, 4 है, 16 है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? 3। हर 3 डिजिट्स के बाद फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट हम कामा लगाते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन पार्ट नंबर 2, 3 है। बी नंबर देखिए, द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 6985621 इज डैश 2। अब इस नंबर में 2 देखो, ये 2 है और इसकी वैल्यू क्या है, तो ये भी आपको पता है। फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आप देखें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और मिलियन, सही। तो 2 21 है और 2 की वैल्यू 20 है। क्यों? क्योंकि 20 प्लस 1 से 21 आएगा, 2 प्लस 1 से 21 नहीं आएगा। अगर हम 2 देखें तो 2 प्लस 1 से 3 आता है, 20 प्लस 1 से 21 आएगा, तो इस वजह से इसमें भी करेक्ट ऑप्शन 2, 20 है, ठीक है। इन 7, 8, 5, 6, 2, 1, 1 द डिजिट डैश इज़ द 1000 प्लेस डिजिट। तो ये भी आप देखें, जिस तरह इस पार्ट नंबर बी में समझाया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो 6 का पूछा है, तो ये देखें, थाउजेंड्स का पूछा है, तो थाउजेंड्स प्लेस डिजिट कौन सा है? वो है 6, ठीक है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, वो 6 है, तो इसमें ये 3 और ये 6 ये करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर डी देखें, व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय डैश वी पुट 3 जीरोस टू इट्स राइट एंड। किसी भी नंबर को किसके साथ? 10 के साथ, 100 के साथ, 1000 के साथ, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। जिस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो राइट साइड पे हम 3 जीरोस लगाते हैं, तो आप ख़ुद देखें, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जीरो लगाएंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे 3 जीरोस हम लगाएंगे। 3 जीरोस यहाँ पे 3 जीरोस का जिक्र है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है, 3000। अब लास्ट वन और ई, व्हेन वी डैश अ नंबर बाय 10 वी रिमूव अ ज़ीरो फ्रॉम इट्स राइट। हम अगर किसी भी नंबर के साथ कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करें जिसमें हम ज़ीरो को हम रिमूव करें और 10 पे हम क्या करें, 10 ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि ज़ीरो हम रिमूव करें, तो डिवीज़न में हम ज़ीरो रिमूव करते हैं, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 और डिवाइड,
सही। क्वेश्चन नंबर टू की तरफ देखें, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अच्छा, अब इसके लिए इधर देखें, नंबर्स इन वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर टू है, यूनिट नंबर वन है, ठीक, रिव्यू एक्सरसाइज है, ये देखिए, ठीक, यूनिट नंबर वन, होल नंबर्स एंड ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर टू, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। तो इसमें ए नंबर देखिए, 8, 7, 3, 4, 1, 2, 3। इधर से देखिए, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो यहाँ से शुरू करें इसका आंसर, 8 वर्ड्स में लिखना है ना, 8 मिलियन, 734,000, 734 1,100,123, सही, 8,734,123, ये इसको हमने वर्ड्स में लिखा। पार्ट नंबर बी देखे, 6,965,129। अब अगेन, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और मिलियन, सही। तो इसका आंसर है 6,000,000, 965,100,129, ये ठीक। पार्ट नंबर सी की तरफ देखें, पार्ट नंबर सी, 4,982,009, 1,100,000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। तो इसका आंसर भी 4,000,000, 982,000 and 9। ये था पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर डी देखे, ये पार्ट नंबर डी है,
नाइन और ये आप देखिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन, इसका आंसर लिखो। नाइन मिलियन, ट्वेल्व थाउजेंड, ट्वेल्व थाउजेंड एंड एलेवन, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में, सॉरी क्वेश्चन नंबर टू में, फोर पार्ट से, ए बी सी डी, ए बी सी डी, सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, सॉल्व द फॉलोइंग, नीचे पार्ट्स गिवन है, ये देखिए प्लस प्लस प्लस, सारे एडिशन के क्वेश्चंस हैं, दो दो नंबर्स है हर एक पार्ट में, और इसको हमने प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर थ्री है, पार्ट नंबर ए, टू वन टू, वन टू वन, प्लस फाइव सिक्स, टू थ्री फोर। अब इसको सबसे पहले इस शक्ल में लिखो, टू वन टू, वन टू वन, यहाँ से शुरू करो, वन के नीचे फोर, टू के नीचे थ्री, वन के नीचे टू, टू के नीचे सिक्स, और इस वन के नीचे फाइव। क्या है एडिशन, और सॉरी, वन प्लस फोर फाइव, टू प्लस थ्री फाइव, वन प्लस टू थ्री, टू प्लस सिक्स एट, वन प्लस फाइव सिक्स, और टू नीचे कुछ नहीं है, ये आएगा टू, तो इसका आंसर आएगा टू सिक्स एट थ्री डबल फाइव। ये देखिए ठीक हो गया। अब आते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ, ये पार्ट नंबर बी है, थ्री वन फाइव प्लस वन ज़ीरो टू, थ्री सेवन सिक्स, तो वन एट थ्री वन फाइव, इधर से शुरू करें, सिक्स सेवन थ्री टू ज़ीरो वन, करना क्या है, प्लस करना है हमने, फाइव प्लस सिक्स, अब देखिए इलेवन, इलेवन हम टोटल इस तरह इलेवन लिखा जाता है, इलेवन का ये वन हम इधर लिखेंगे और ये वन ऊपर यहाँ कैरी करो, ठीक। वन प्लस वन टू, टू प्लस सेवन नाइन, ठीक। अब थ्री प्लस थ्री सिक्स, एट प्लस टू टेन, तो टेन ये कंप्लीटली टेन इस तरह हम यहाँ नहीं लिख सकते, ये ज़ीरो इधर आएगा, ये वन ऊपर आ जाएगा। वन प्लस वन टू, टू प्लस ज़ीरो टू, इधर कुछ नहीं है, तो ये वन इसी तरह ही आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा वन टू ज़ीरो और सिक्स नाइन वन। अब इधर से शुरू करो, वन टू थ्री, थ्री के बाद कॉमा लगाओ, इस क्वेश्चन में भी वन टू थ्री यहाँ काम आ जाएगा, सही। पार्ट नंबर सी देखो, ये पार्ट नंबर सी है, पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी क्या है, सेवन टू सेवन, वन नाइन वन प्लस नाइन टू, नाइन टू वन, सही। अब इसको उस शक्ल में लिखो, सेवन टू सेवन, वन नाइन वन, यहाँ से वन वन के नीचे, टू नाइन के नीचे, ये नाइन वन के नीचे, कामा अपनी जगह, सेवन के नीचे टू और इस टू के नीचे नाइन, प्लस करना है, वन प्लस वन टू,
नाइन प्लस टू इलेवन, इलेवन वन इधर वन कैरी, वन प्लस वन टू, टू प्लस नाइन तो इससे अगेन इलेवन, इलेवन वन इधर वन इधर, वन प्लस सेवन एट, एट प्लस टू टेन, वन इधर कैरी, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस नाइन तो ट्वेल्व आएगा, वन इधर, वन प्लस सेवन एट, तो इसका भी आंसर ये आ जाएगा एट टू ज़ीरो वन वन टू, वन टू थ्री, थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा। ठीक, अच्छा अब पार्ट नंबर डी, ये पार्ट नंबर डी है। पार्ट नंबर डी, वन थ्री नाइन सिक्स फाइव सेवन प्लस टू फोर सेवन और सेवन सेवन सेवन, वन थ्री नाइन कामा सिक्स फाइव सेवन, यहाँ से सेवन सेवन के नीचे, सेवन फाइव के नीचे, ये सेवन सिक्स के नीचे, ये सेवन नाइन के नीचे, ये फोर थ्री के नीचे और ये टू वन के नीचे, सॉरी ये एडिशन है, सेवन और सेवन फोर्टीन, फोर इधर वन कैरी, वो वन प्लस फाइव सिक्स, सिक्स प्लस सेवन थर्टीन, थ्री इधर वन कैरी, और वन प्लस सिक्स सेवन, सेवन और सेवन फोर्टीन, फोर इधर वन कैरी, वन प्लस नाइन टेन, टेन और सेवन सेवनटीन, वन इधर, वन प्लस थ्री फोर, फोर प्लस फोर एट, वन प्लस टू थ्री, थ्री एट सेवन फोर थ्री फोर, वन टू थ्री कामा थ्री डिजिट्स के बाद। ठीक, नेक्स्ट देखे पार्ट नंबर ई, क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट नंबर ई, तो ई नंबर पार्ट, फाइव थ्री टू फोर एट वन प्लस वन ज़ीरो 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 एट, फाइव थ्री टू फोर एट वन, एट वन ज़ीरो इधर, ज़ीरो यहाँ, ये ज़ीरो ज़ीरो यहाँ और वन इधर, प्लस वन प्लस एट नाइन, एट प्लस ज़ीरो एट, फोर प्लस ज़ीरो फोर, टू प्लस ज़ीरो टू, थ्री प्लस ज़ीरो थ्री, फाइव प्लस वन सिक्स, तो ये आएगा सिक्स थ्री टू फोर एट नाइन, वन टू थ्री, थ्री डिजिट्स के बाद कॉमा। पार्ट नंबर फोर थ्री क्वेश्चन में पार्ट नंबर एफ, टू डबल ज़ीरो फोर फाइव फोर प्लस वन टू सिक्स, सिक्स फाइव फोर, सही, तो ये देखे, ये फोर फाइव फोर, फोर फोर के नीचे, फाइव इधर, इधर सिक्स, ये सिक्स यहाँ, ये टू यहाँ, ये वन, ये देखें, फोर प्लस फोर एट, फाइव प्लस फाइव टेन, वन कैरी, वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस सिक्स इलेवन, वन यहाँ, वन प्लस ज़ीरो वन, वन प्लस सिक्स सेवन और ज़ीरो प्लस टू टू, वन टू प्लस वन थ्री, तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर थ्री टू सेवन वन ज़ीरो एट, वन टू थ्री, यहाँ आ जाएगा इसका ये आंसर, सही। ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये एडिशन के क्वेश्चन थे। अब देखे क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, सॉल्व द फॉलोइंग, और वन टू थ्री, इसमें भी सिक्स पार्ट्स है,
और बीच में माइनस है, तो ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है। तो ये भी देखें, इसको भी सीखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट नंबर ए। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए, सब्ट्रैक्शन है 6, 7, 5, 9, 2, 1 माइनस 3, 1, 4, 1, 2। उसी तरह एडिशन की तरह ये भी लिखो 6, 7, 5, 9, 2, 1 ये 2, इसके नीचे 1 यहाँ, 4 यहाँ, 1 यहाँ, 3 यहाँ, सब्ट्रैक्शन। अच्छा, अब इसमें देखें, ये नंबर ऊपर है, ये नीचे है, इस नंबर से ये नंबर हमने माइनस करना है, तो तरीका इंतहाई आसान है, 1 माइनस 2 ये पॉसिबल नहीं है, 1 से 2 माइनस नहीं हो सकता, तो इसके लिए यहाँ से 2 से हम 1 को एक नंबर या 1 देंगे, 2 और यहाँ 1, 2 से एक 1 यहाँ आएगा, इस 1 के साथ मिल के ये 11 बन जाएगा और ये 1 रह जाएगा, तो 11 माइनस 2 से क्या आएगा, 11 माइनस 2 से आएगा 9, यहाँ 1 है, 1 माइनस 1 से क्या 0, यहाँ 9 माइनस 4 से 5, 5 माइनस 1 से 4, 7 माइनस 3 से 4, 6 माइनस 0 से 6, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 6, 4, 4, 5, 0, 9, 1, 2, 3, 3 डिजिट्स के बाद कामा। ठीक, पार्ट नंबर बी इसी क्वेश्चन का, 9, 8, 6 और 5, 4, 3 माइनस 6, 5, 2, 1, 9 ये सब्ट्रैक्शन है, तो इसी तरह 9, 8, 6, 5, 4, 3 ये 9, ये 1, ये 2, ये 5, ये 6 सब्ट्रैक्शन है। अब अगेन ये देखिए, ये स्मॉल नंबर है, ये लार्ज नंबर है, तो 3 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, तो इधर 4 से 1 इसको दे दो, ये 13 बन जाएगा, 13 माइनस 9 से 4 आएगा, यहाँ 3 बच जाएगा, 4 से 1 उधर गया तो 3 यहाँ बचेगा, 3 माइनस 1 से 2, 5 माइनस 2 से 3, 6 माइनस 5 से 1, 8 माइनस 6 से 2, 9 माइनस 0 तो 9, तो यहाँ इसका आंसर आएगा 9, 2, 1, 3, 2, 4 इधर से 1, 2, 3 ये कामा। ठीक, पार्ट नंबर सी देखो, ये सी नंबर पार्ट है, 108761 माइनस 70021, तो इसी तरीके से लिखो 108761 1, 2 और ये 0 और ये 0 और ये 7 और सब्ट्रैक्शन, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 0 8, अब ये देखिए 0 माइनस 7 पॉसिबल नहीं है, तो ये 1 यहाँ इसको दे दो तो ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 7 3 आएगा, यहाँ 1 था, 1 उधर चला गया तो 0, मतलब बाकी ख़त्म, कुछ नहीं, 0 माइनस 0 0 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आएगा 3, 8, 7, 4, 0, 1, 2, 3 ये देखो 3 डिजिट्स के बाद काम सही। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर सी, आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर डी, ए
8 4 6 1 0 9 माइनस 5 9 1 0 8 9 8 4 6 1 0 9 ये 9 यहाँ लिखो, ये यहाँ लिखो, ये यहाँ लिखो, 1 और ये 9 और ये 5, ठीक। 9 माइनस 9 0। अब 0 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो इधर से 1 इधर आ जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 8 2, यहाँ 1 था उधर चला गया, 0 0 माइनस 0 0। 6 माइनस 1 5, 4 माइनस 9 अब फिर पॉसिबल नहीं है, तो इधर 8 से 1 आएगा, ये 14, ये 7 बचेगा, तो 14 माइनस 9 से 5 आएगा, 7 माइनस 5 से क्या आएगा 2। तो इसका आंसर लिखो 255,0, ये ठीक। पार्ट नंबर ई, ये देखिए पार्ट नंबर ई, 8 6 5 4 3 9 -7 6 1 2 1 और 2, तो 8 6 5 4 3 9 ये 2, ये 1, ये 2, ये 1, ये 6, ये 7, 9 minus 2 7, 3 minus 1 2, 4 minus 2 2, 5 minus 1 4, 6 minus 6 0, 8 minus 7 1, 1 0 4 2 2 7, 1 2 3 यहाँ कामा, ठीक। अच्छा ये एफ, एफ नंबर पार्ट, 6 9 6 3 4 9 -2 8 8 और 8 8 8, तो इसका आ जाएगा 6 9 6 3 4 9 8 8 8 8 8 2 माइनस है, तो ये देखें 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो इधर से एक 1 आएगा, 14, 14 माइनस 8 तो 6 आएगा, तो इधर 2 बचेगा, और 2 माइनस 8 फिर पॉसिबल नहीं है, तो इधर से एक 1 जाएगा, तो ये 12 बन जाएगा, 12 माइनस 8 से क्या आएगा, 12 माइनस 8 से 4 आएगा, और इधर 5, तो 5 माइनस 8 मुमकिन नहीं है, तो इधर से एक 1 जाएगा, तो ये 15 बन जाएगा, 15 माइनस 8 7, इधर क्या बचा, 8 8 माइनस 8 0, 6 माइनस 2 4, तो इसका आंसर आएगा 407461, ये। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स ये मुकम्मल हो गए, सही। अब देखे क्वेश्चन नंबर 5, ये मल्टीप्लिकेशन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये सॉल्व द फॉलोइंग, और ये आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर ए, ये मल्टीप्लिकेशन है, 3 5 और 6 मल्टीप्लाई 1 2 2, ठीक। अच्छा तो इसको लिखो इसी तरह, 2 3 5 6 1 2 2, ये देखिए, ठीक। 2 2 हर एक डिजिट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करो, फिर ये 2 हर एक के साथ, फिर ये 1 हर एक के साथ, सही। तो 2 मल्टीप्लाई 6 क्या आता है, 12, 12 2 इधर आएगा, 1 ऊपर, फिर 2 5 के साथ, 2 5 10 आएगा, 10 और +1 11 आएगा, 11 1 इधर और 1 इधर आ जाएगा, सही। फिर देखे 2 3 के साथ, इसकी बारी है,
टू थ्री सिक्स आएगा, सिक्स प्लस वन सेवन आएगा, सही। ये देखिए आप टू टू के साथ फोर आएगा, टू वन के साथ तो टू आएगा, एक डिजिट ख़त्म, तो यहाँ एक मल्टीप्लाई साइन। फिर अब इस टू की बारी है। अच्छा तो ये क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट नंबर ए, ये इसका ये आंसर आएगा, ठीक। पार्ट नंबर बी, ये पार्ट नंबर बी है, 65 और 781 और ये 100, सही। ये इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है, किसी भी नंबर 100 के साथ, 10 के साथ, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना हो, तो उसमें एक लॉजिकल पॉइंट ये आप जहन में रखो कि उसी नंबर के साथ अगर ये 10 है तो 10 का इजाफ़ा करो, अगर ये 100 है तो 20 का इजाफ़ा करो, और अगर ये 1000 है तो 30 का इजाफ़ा करो। ये प्रोसेस इतना अब करने की ज़रूरत फिर नहीं है, सही। अब ये देखें इसका आंसर आएगा 65781 और आखिर में 00। ये देखें इसका आंसर ये आएगा 65781 और ये 00, 1 2 3 यहाँ का मा, 1 2 3 यहाँ का। अब ये देखें तब आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह ये 100 और 10 और 1000 का ये फार्मूला या ये लॉजिक क्या है। अब इसी तरह ऊपर क्वेश्चन की तरह हर एक डिजिट को हर एक डिजिट के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, 01 के साथ हर एक के साथ, तो ये 0 0 0 और 0 0 आ जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई। फिर इस 0 की बारी है तो ये 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा। अब 1 की बारी है तो यहाँ 1 1 1 आ जाएगा, 8 1 8 आ जाएगा, 7 1 के साथ तो 7 5 1 के साथ तो 5 6 1 के साथ तो 6, ठीक। यहाँ प्लस करना है, इधर से आ जाएगा 0, इधर से आ जाएगा 0, इधर से आ जाएगा 1, इधर से आ जाएगा 8, इधर से आ जाएगा 7 5 और 6। तो आंसर उसके साथ आप कंपेयर करें जो मैंने बताया था कि ये इसका आंसर आएगा, और वही इसका आंसर है। तो 100, 10, 1000 किसी भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप सबसे पहले उसको देखो कि ये 100 है तो उस नंबर के साथ 20 आप ऐड करें, अगर 1000 है तो उसी नंबर के साथ 30 आप ऐड करें, सही। तो ख़ुद ब खुद वो नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो ये पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर सी ये देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव में पार्ट नंबर सी है, तो 262 और 825 मल्टीप्लाई 522। अब इसमें 262 825 2 2 और ये 5 करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। हर एक डिजिट को हर एक के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 2 के साथ तो 10 आएगा, 1 इधर कैरी, और 2 2 के साथ 4 4 प्लस 1 5, और इसी तरह 8 2 के साथ 16, तो 1 इधर कैरी, और 2 2 के साथ 4 और 1 5, और ये 2 6 के साथ 12 आ जाएगा, और ये 2 2 के साथ 4 और 4 प्लस 1 5, एक डिजिट ख़त्म हो गया तो एक मल्टीप्लाई। अब इसकी बारी है 2 5 10, एक और 1 आ जाएगा, 2 2 4 4 प्लस 1 5, और 2 8 16, तो 6 इधर आ जाएगा, और 2 8 तो इसका ये 1 कैरी इधर आ जाएगा, सही, और 2 2 4 4 प्लस 1 5,
और टू और 2 6 12 और 1 इधर आ जाएगा, और ये 2 2 के साथ 4 और 1 5 आ जाएगा, दो डिजिट्स हो गए, तो 1 और 2। अब 5 की बारी है, 5 5 25, तो 5 5 25, तो यहाँ 2 कैरी हो जाएगा, और 5 2 10, 10 और 2 12, 1 1 इधर आ जाएगा, अब सॉरी 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 1 इधर आ जाएगा, सही। और 8 5 40, 5 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40, और 4 1 41, तो 4 इधर आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और 5 2 10, 10 4 14, 14 तो 1 इधर आ जाएगा, और 5 6 30, 30 प्लस 1 31, और यहाँ 3, और 5 2 10 और 3 13, सही। और इसको अब हमने प्लस करना है, 0 5 4 0 से 5, ये 10 और 6 16, यहाँ 1 कैरी, और 5 4 6 11, 11 और 2 13, ओ सॉरी 13 और 1 1 14, सॉरी यहाँ आ जाएगा 14, 1 कैरी, फिर 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 5 4 2 7, 7 और 4 11, 11 1 इधर, 6 और 1 7, 7 ये 3 और ये 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 3 7 1 9 4 6 5 0, 1 2 3, 1 कामा इधर, 1 2 3, 1 कामा इधर, और बाकी ये सी, ये देखिए पार्ट नंबर डी इसी क्वेश्चन का, 8 3 7 5 6 4 मल्टीप्लाई करो 5 1 9 के साथ, सही। तो ये आ जाएगा 8 3 7 5 6 4 और मल्टीप्लाई 5 1 9, अच्छा 9 4 के साथ, और इसी तरह 6 5 7 3 8 के साथ, फिर 1 और ये, तो 9 4 के साथ मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 36 आएगा, तो 36 में 6 इधर लिखो, 3 ऊपर, 9 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 54 आएगा, 54 और 3, तो 57 आएगा, 7 इधर, 5 ऊपर आ जाएगा, सही। 9 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 45 आएगा, 9 5 45, और 5 ऊपर है तो आ जाएगा 50, 50 में 0 इधर और 5 इधर, सही। अब 9 7 के साथ, 9 7 9 और 7 मल्टीप्लाई करें तो 63 आ जाएगा, क्या 63, और 5 के साथ उसको प्लस करो तो 63 और 5 68, तो यहाँ आ जाएगा 8 और 6, यहाँ आ जाएगा। 9 3 के साथ 27 27 और 6, तो 33, 3 यहाँ लिखो और 3 इधर आ जाएगा। 9 8 के साथ 9 8, तो 72 और 3 75, सही, यहाँ एक मल्टीप्लाई। 1 4 के साथ 4, 1 6 के साथ 6, 1 5 के साथ 5, 1 7 के साथ 7, 1 3 के साथ 3, 1 8 के साथ 8, ये दोनों हो गए। अब 5 की बारी है, 5 4 20, 5 4 20, तो 0 और 2 इधर, और 5 6
30, 30 और 2 32, तो 3 इधर, और 5 5 25, 25 प्लस 3 28, तो यहाँ आ जाएगा 2, और 5 7 35, 35 और 2 37, 7 इधर आ जाएगा और 3 इधर, और 5 3 15, 15 और 3 18, 18 1 इधर, 5 8 तो 40, 40 और 1 41, ये प्लस करो 6, इसको इसके साथ प्लस करो, 7 और 4 और 11 और 1 इधर, 1 और 6 7, 8 5 बल्कि 8 और 2 10, 10 और 5 15, और 7 और 5 7 और 8 15, 15 और 3 18 और 1 19, सही, और ये देखे 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, सही, अब ये देखे 8 और 8 16, 16 और 1 17, 17 और 7 24, 24 2 इधर, 2 और 1 3 और 4 अपनी जगह, इसका ये आएगा 4 3 4 6 9 5 7 1 6 1 2 3 1, 1 2 3 ये और